एक और नए दिन की नई शुरुआत हो चुकी है और अभी सुबह के 8 बज रहे। आज यहाँ से मुझे निकलना है, यहाँ से आगे अभी 2 दिन तक यहाँ पे रेस्ट किया। पहले दिन थोड़ा बहुत घूमा, सिटी पैलेस घूमा, दूसरे दिन तो कहीं गया भी नहीं, यहीं पे जस्ट अपना जो पुराने वीडियोस थे वो एडिट कर रहा था और थोड़ा सा रेस्ट ले लिया। एक तरीके से इतना लंबा हिचहाइकिंग करने के बाद आने के बाद ये रेस्ट ज़रूरी भी था। नॉर्मली मैं चाहता तो डायरेक्टली यहाँ से हिचहाइकिंग करके आगे निकल सकता था, पर मैंने सोचा कि अगर यही रूट में राजस्थान से मैं अगर निकल रहा हूँ तो यहाँ पर जो चीज़ें वो एक बार देख के निकल जाते, क्योंकि पता नहीं कल को कब अगर वापस यहाँ से गुजरना हो या ना हो। तो काफ़ी एक अच्छी चीज़ थी कि लद्दाख की इस जर्नी में हमने थोड़ा बहुत राजस्थान को भी एक्सप्लोर कर लिया। तो अभी फ़िलहाल मैं अभी अपने हॉस्टल में हूँ और हॉस्टल पूरा खाली, फ़िलहाल अभी बस एक दोस्त है जिसको बाय बोलना है और यहाँ से निकलना है। और रात के टाइम पे तो मैं यहीं पे सो गया था। अगर आपको भी हॉस्टल में रहना है तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उसको चेक कर सकते हैं, मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया इस हॉस्टल के बारे में। सो बस अभी देखते हैं अपना जो बैक पैक है वो सब देख के, हमारा बैक पैक है इसको पैक कर लिया गया है और हमारा मेन हथियार कहाँ गया जिसके वजह से हम यहाँ पे पहुँच पाए थे, ऑल इंडिया ट्रैवल लिफ्ट प्लीज़, इसकी वजह से पहुँच पाए। और ये हमारे दोस्त थे जो 2 या 2 दिन तक हमारे साथ थे। बढ़िया यार, मैं पहली बार किसी ब्लॉगर से ऐसे पर्सनली मिला तो देखा मैंने, काफी अलग एक्सपीरियंस था। और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर लद्दाख ट्रिप। थैंक यू सो मच हीरो, रहेंगे किस्मत रहेंगे तो फिर से मिलेंगे। अब जाके थोड़ा अच्छे से हिच हाइकिंग कर पाऊंगा मैं। मतलब ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप भी लॉन्ग डिस्टेंस अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा रुक रुक के मज़े मज़े ले लेके जाओगे तो थोड़ा सफ़र भी आसान हो जाएगा और थोड़ा अच्छा भी लगता है। डायरेक्टली एकदम मुंबई टू लद्दाख एकदम डायरेक्टली हिचहाइकिंग करोगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी जब मुंबई से स्टार्ट किया हिचहाइकिंग तब मुझे लग रहा था कि यार इतना लंबा हिचहाइकिंग मैंने कभी किया नहीं है। मैंने नॉर्मली ऐसा 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर ऐसा ही किया है, 200-200, 300-300 किलोमीटर एक साथ हिचहाइकिंग ट्रक में, कार में, बाइक वालों से ऐसा ज़्यादा करके किया नहीं है मैंने। पता थोड़ा बहुत रास्ते में मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते, तो ये अंकल जी मुझे मिले, मैं पैसे दे रहा था तो इन्होंने मेरा ये बोर्ड देख के मुझे पैसे भी नहीं देने दे रहे। ट्रैवल करते वक्त देख के बड़ा अच्छा लगता है कि लोग बड़ा मदद करते हैं, शुक्रिया उसके लिए। मैं बहुत पैसे दे रहा था फिर भी अभी भी मुझे लोग बोल रहे चाय नाश्ता करा रहे। तो ट्रैवल अगर आप कर रहे हो तो इंडिया में लोग आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। बस आपकी यात्रा सफल हो, अच्छी हो, जो सब लेके चले वो पूरी हो। यहाँ पे हमने कचौरी खाई, ये जगह की नाम ये है पालीवाल रेस्टोरेंट। तो अगर आप कभी अगर आते हो यहाँ पे उदयपुर राजस्थान तो यहाँ पे डेफिनेटली कचौरी खा के जाना, काफी अच्छे लोग है, काफी अच्छा स्वागत किया, मुझे जानते भी नहीं फिर भी काफी अच्छा स्वागत किया, शुक्रिया, चलो बाय। नहीं 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 शुक्रिया आपने इतना किया, थैंक यू। एक घूंट भी पी के जाओ। अरे मैं बस हो गया, शुक्रिया। अच्छा चलो बाय, थैंक यू। बांध दो साथ में। नहीं 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 शुक्रिया, चलो भाई आगे का सफर शुरू करते। काफी अच्छे लोग हैं यार, मतलब लोग बहुत मदद करते हैं ट्रैवल करने के टाइम पे। लिफ्ट मिली है, वहाँ से हम जोधपुर के लिए निकलेंगे, तो ये भाई ने हमें लिफ्ट दी है, तो अभी आगे निकलते देखते। हाईवे कहाँ पड़ता है? दो रास्ते जो, एक नेशनल हाईवे एक स्टेट हाईवे। हाँ तो कौन से हाईवे नज़दीक रहेगा यहाँ से? नज़दीक तो ये हाईवे जंगल पड़ेगा, वो हाईवे 4 लाइन है, नेशनल हाईवे 8 नंबर। तो डायरेक्ट जाएगा ना वो फटाक से? कहाँ पड़ता है, कैसे पड़ता है? वो रास्ता जा रहा है वहाँ से सीधा 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 जाओ, आगे सर्कल आएगा। अच्छा चेतक सर्कल, ये चेतक है। अच्छा ये चेतक सर्कल है, ठीक है।
फतेहपुर सर्कल, फतेहपुरा तक सीधा जाना, फतेहपुरा नाम की जगह तक मुझे हिचहाइकिंग करना है, वहाँ से जाके मुझे हाईवे तक पहुँचना है। हाईवे एक बार मैं अगर पहुँच गया तो उन्होंने बताया सीधा सीधा जोधपुर के लिए वो हाईवे जाता है, बहुत ही बड़ा हाईवे। तो वहाँ तक अभी मैं थोड़ा पैदल चल रहा हूँ, अगर कोई छोड़ देगा तो जल्दी पहुँच जाऊँगा। देखते हैं सफ़र, आज सुबह सुबह सफ़र बाकी बड़ा अच्छा शुरू हुआ, मतलब लोग अच्छे मिले, उन्होंने ब्रेकफास्ट करा दिया, तो काफ़ी मज़ा आया ये देख के कि लोग सुबह सुबह, एक पॉजिटिविटी आ गई मेरे अंदर कि हाँ चलो भाई आज तो जोधपुर पहुँच जाऊँगा। लिफ्ट मिली है भाई ने, हमें दूसरी लिफ्ट दी है यहाँ पे, और ये बता रहे कि डायरेक्टली हाईवे तक मुझे छोड़ देंगे। और इन्होंने कुछ ऐसे चीज़ें बातें बोली है जो दिल पे लगी है, बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने कि ज़िंदगी में ट्रैवल करने से बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो। एक्चुअली किताब पढ़ने से अच्छा इंसान को पढ़ो, ज़्यादा सीखोगे और जहन में रहेगा और ज़्यादा अच्छा आपको मदद मिलेगी ज़िंदगी में उससे। तो ये काफ़ी बड़ी बात बोली, सुन के बड़ा अच्छा लगा भाई, थैंक यू ब्रदर। चलो शुक्रिया, आपका नाम नहीं बताया आपने। अनूप सिंह चौहान। ठीक है, अनूप जी ने यहाँ तक हमें छोड़ा, काफ़ी पॉजिटिव इंसान है और मिलके बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने काफ़ी सारी ऐसी सी बातें बोली जो सुन के डायरेक्ट दिल तक लगी है, दिल तक हार्ट टू हार्ट बात की है भाई। चलो शुक्रिया भाई। कितना किलोमीटर होगा? मैं जोधपुर जा रहा हूँ। ठीक है, आप छोड़ दोगे? थैंक यू सो मच। सो पहली कार वाली लिफ्ट मिली है मुझे कि हमें फ़िलहाल, मैं वहाँ पे खड़ा था और मुझे पता भी नहीं कि ये रुके थे मेरे लिए, तो इन्होंने हाथ दिखाया तभी जाके मैं आया। आपका नाम क्या है? नवीन। अच्छा, आपका? तेजपाल सिंह। ओके, थैंक यू सो मच, इन्होंने मुझे लिफ्ट दिया। अभी आगे तक थोड़ा, इन्होंने बताया थोड़ा आगे तक जाएंगे, वहाँ से जोधपुर का रास्ता आता है मेन, ये मेन हाईवे ही है ना जोधपुर का। अच्छा, हाईवे पे छोड़ दिया गया है और यहाँ से मैं आगे हिचहाइकिंग के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। ये कुछ ढाबे जैसा है और यहाँ पे बहुत सारे एक दो ट्रक भी खड़े हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से अगर कोई ट्रक या फिर कोई लिफ्ट आपको मिला तो डायरेक्टली जोधपुर आप पहुँच सकते हो। तो अभी मैं फ़िलहाल लिफ्ट मांग रहा हूँ, देखते को अगर छोड़ेगा तो अच्छा रहेगा। लिफ्ट ना मिले तो चलना स्टार्ट कर दो, थोड़ा थोड़ा आगे चलते जाओगे तो कोई ना कोई रुक ही जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं हूँ इस हाईवे पे और इस हाईवे से अभी जा रहा हूँ मैं आगे चलते हुए। ऑल इंडिया ट्रैवल, यहाँ पे एक अलग ही जगह पे मैं आ चुका हूँ और गांव जैसा है, आजू बाजू कोई ढाबा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ अकेले चलते हुए। और कोई नहीं है, बाइक वाले रुक जाते हैं। 20 किलोमीटर चलेगा, कोई बात नहीं, चलेगा, बहुत है भाई, कोई छोड़े ना छोड़े, बाइक वाले ज़रूर छोड़ देते हैं। इन लोगों ने मुझे लिफ्ट दी है, थैंक यू सो मच। किस नाम से आपका चैनल? मैड सर्वाइवर। यस, हाँ, नाइस टू मीट यू टू। चलो भाई, तो इन लोगों के साथ अभी थोड़ा आगे चला जाएगा। शुक्रिया आपका, थैंक यू। हाँ,
वहाँ से और दो तीन बाइक का जैसे भाई ने बाइक वाले ले लिफ्ट लेके गए और 30-40 किलोमीटर यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। और मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ से गूगल भाई साहब बता रहे कि अगर कोई ढंग का लिफ्ट मिला तो 1 या 2 बजे तक शायद मैं जोधपुर पहुँच जाऊँगा। सो देखते अभी लिफ्ट मांगना स्टार्ट करते। मैं देख रहा हूँ कि बाइक वाले लोग ज़्यादा लिफ्ट दे रहे हैं, जैसे 10-15 किलोमीटर के लिए भी अगर कोई बाइक वाला लिफ्ट दे रहा है तो मैं ले रहा हूँ। ये ट्रैक्टर आ रहा है, हमें अमृतसर की याद दिला दी, अमृतसर में जैसे ट्रैक्टर में जो हिचाइकिंग की थी उन बंदों लोग के साथ। तो अभी फिलहाल देखते हैं क्या हुआ। चैनल कौन सा? मैड सर्वाइवर, MAD। अभी रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, सो ये कम से कम 7वां लिफ्ट है जो किसी बाइक वाले ने मुझे छोड़ा है। और ऐसा बाइक वालों का लिफ्ट लेते लेते कम से कम मैंने 50 से 60 किलोमीटर कवर कर लिया है। और ये भाई ने भी मुझे अभी यहाँ पे छोड़ा है, थैंक यू यहाँ तक छोड़ने के लिए। ठीक है सर, चलो डायरेक्ट लिफ्ट मिल चुकी है हमें यहाँ से। हम शुक्रिया, आपका नाम क्या है? आमिर सर। आगे का सफ़र पूरा कम्प्लीट हो चुका है, मज़ा आ रहा है। मेरे को लगा ही था कि आज के दिन काफ़ी अच्छा होगा, बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं और अच्छा हो गया। अभी धीरे धीरे दोपहर को धूप भी होना शुरू होगी और आगे का रास्ता कुछ ऐसा है। राजसमंद लेक, अच्छा 14 किलोमीटर की लंबाई की है, 7 किलोमीटर की चौड़ाई की। तो ये क्या यही पे जोधपुर में है कि कहाँ पे? ये राजसमंद में। अच्छा, ये पहाड़ के पीछे है ना, वो राजसमंद लिखा हुआ। अच्छा अच्छा, ये राजसमंद है, ये आएगा थोड़ा आगे से चलना है। अच्छा, ये पहाड़ में लिखा हुआ है, ये तकरीबन 12-14 किलोमीटर दूर से दिखाई देता है राजसमंद। ये तो आप यही के हो कि अजमेर के हो? यही कहूँ मैं, राजसमंद बादशाह की दरगाह है। हाँ, और औरी माता का मंदिर है पास में वहाँ पे ऊपर पहाड़ी पे मामा माने बादशाह की दरगाह है, वो औरी माता का मंदिर है और रास्ता उसका वहाँ से जाता है। ओके, वो रास्ता जा रहा है उसका, वो ये राजसमंद लिखा हो ना, मेन राजसमंद है। सुबह के बज रहे 5 और फिलहाल मैं हूँ इस छोटे से धर्मशाला के अंदर।